आज के गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर अन्नकूट प्रसाद का हमने मेक्सिको सिटी में छोटा सा आयोजन किया है। तो 56 भोग प्रसाद की महिमा ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था, तो मैया ने भगवान कृष्ण जी से पूछे कि लाला तू इतने दिन भूखो कैसे रहो, मैं तो तू रोज का के मैं भोजन कमाती रहती। तो बाने की मैया जो 7 दिन को पूरा भोजन है तुम वो एक संग करा दे, इसीलिए 56 प्रकार के भोजन का ऐसा कोई वो नहीं है कि 56 प्रकार के भोजन थे उस समय, लेकिन 56 भोग लगाए मैया ने लाला के। क्यों? क्योंकि एक दिन में भगवान श्री कृष्ण जी 8 बार भोग लगाते थे, तो 7 दिन गोवर्धन पर्वत को पकड़ के रखा था अपनी कन्नी उंगली पे, तो इसलिए 7 7 8 56, तो 56 तरीके के भोग लगाए गए। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं जो भगवान के लिए अच्छा सात्विक और प्रभु की सनातन धर्म के अनुसार प्रभु की लीला के अनुसार जो भी प्रसाद हम सात्विक तरीके से अच्छे मन से बना सकें वो भगवान जी को अर्पण कर दें। तो माता यशोदा जी ने एक चीज और पूछी कि लाला तू तो नेक्स्ट सो तूने गोवर्धन पर्वत उठाया कैसे? तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है, भगवान ने माता से कही है कि मैया कछु माखन को बल भड़ो, कि जो तूने माखन खवायो ना बाको कछु बलो, और कछु गोपिंद सहाय, तो जो गोप गोपी हते का उन्हें दियो सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत लियो उठा। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो, और आज के अन्नकूट महोत्सव की जय जय हो जय हो। तभी आलू टेटी और लिसोड़े आमचारी संग आरोग्य श्री महाप्रभु नरसिंह बिरनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग दुर्बल पाओ, लक्ष्मी व्यंजन आप समारो मन में खो तुम आरोग्य श्री महाप्रभु नरसिंह, 56 भोग 3600 व्यंजन नाना विध के संग आरोग्य श्री महाप्रभु नरसिंह। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, नरसिंह नरसिंह कहना पड़ेगा पल पल का लिखा देना, श्री वृंदावन लक्ष्मी नरसिंह।